यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला के खिलाफ सोनीपत के 5 लोगों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक अशोक बुवानीवाला ने लोगों को सरकारी कार्य का ठेका दिलवाने के नाम पर 30 लाख रुपए का चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि अशोक बुवानीवाला ने खुद को सरकारी ठेकेदार बताकर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस वहां रजिस्ट्रेशन सर्विस दिलाने के नाम पर ठगी कर ली, लेकिन लगभग 1 साल बीतने के बाद भी किसी को कोई भी सर्विस नहीं मिली, जिसके बाद लोगों को ठगी का एहसास हुआ और 5 लोगों ने उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जब नए एडवोकेट महावीर शर्मा हैं वकील और उनके 4 साथी और हैं, उन्होंने एक केस दर्ज कराया 400-406 का। उन्होंने बताया कि अशोक बुवानीवाला हैं वो मेरे पास आए थे कि मेरे पास सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है और मैं लाइसेंस और जो ना RC का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है जो सरकार से डायरेक्ट है, इसमें जो पैसे लगाने मैं आपको एक ठेका देता हूँ सोनीपत जिले का, जिसमें जो भी मुनाफा होगा उसमें 25% आपका, 25 मेरा, 50% सरकार का जाएगा। तो ये क्या, उन्होंने 25 लाख रुपये इनसे एडजस्ट करवा लिए। अभी उन्होंने आरोप लगाया कि ना मेरे पेमेंट कर रहे हैं ना ही मेरे को काम करा रहे हैं। इस टाइप उन्होंने आरोप लगाए जिस पर मुकदमा दर्ज किया है और जांच जारी है।